दीपावली के पर्व पर स्वास्थ्य विभाग ने शुद्धि के लिए युद्ध अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत जिले भर में स्वास्थ्य विभाग की 3 अलग अलग टीमें मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ सैंपल भरने की कार्रवाई कर रही हैं। वहीं कई जगह से स्वास्थ्य विभाग ने नकली मावा भी जब्त किया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आगामी दिनों में विभिन्न मिठाई की दुकानों से भी सैंपलिंग की कार्रवाई की जाएगी। दीपावली के पर्व पर स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत जिले भर में स्वास्थ्य विभाग की 3 अलग अलग टीमें मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ सैंपल भरने की कार्रवाइयां कर रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर गजराज ने बताया कि दीपावली पर्व पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत विशेष कार्रवाइयां का दौर पिछले कई दिनों से निरंतर जारी है। बाड़मेर जिले में 3 अलग अलग टीमों का गठन करके शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर उनकी जांच की जा रही है। पिछले कई दिनों से चल रहे अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई जगह से नकली मावा भी जब्त करने में सफलता हासिल की गई। CMHO के मुताबिक अभी हमारी तीनों टीमें ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा नज़र बनाई हुई है और विशेषकर धोरीमना और चौटन क्षेत्र में सैंपलिंग की कार्रवाइयाँ की जा रही है। हमारे पास 3 टीमें हैं, लगातार कार्रवाई जारी है। नकली मावा, नकली घी सीज किया जा रहा है, गत दिनों 2-3 जगह सीज किया है। मिठाई की दुकानों पर निरंतर सैंपल लिए जा निरीक्षण किए जा रहे हैं। मिठाई की एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट उस पर मार्क होनी चाहिए, ये भी मॉनिटर किया जा रहा है। तो सर कहाँ का कार्रवाई की जा रही है, किस तरह से? बाड़मेर, बालोतरा, धोरीमन्ना, चौटन, पूरे क्षेत्र में रेगुलर कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग बाहर से आने वाली गाड़ियों की भी चेकिंग कर रही है और नकली और मिलावटी मावा पकड़ा जा रहा है। वहीं आगामी दिनों में शहर के विभिन्न मिठाइयों की दुकानों पर भी सैंपल भरे जाएंगे। सैंपल के साथ ही मिठाई की दुकानों की जांच की जाएगी और वहां पर जो मावा, शक्कर और एसेंस प्रयोग किया जा रहा है वो सही है या नहीं। पर्व को लेकर हर बार स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाकर मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे जाते हैं। वहीं इस बार भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3 टीमों के माध्यम से जिले भर में अभियान के तहत सैंपल भरे जा रहे हैं। CMHO ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वो मिठाई व अन्य खाद्य पदार्थों पर तारीख देखने के बाद ही खरीदें और गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थों का ही इस्तेमाल करें।